ले तकलीफ ना हो। ओके लेट्स गो लाइव। रिकॉर्डिंग ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके सो जितने भी बच्चे बैठे हैं मालिक, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हमसे कनेक्टेड हैं, मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है, पिछली बार हुआ कि कभी हमारे को इंटरनेट थोड़ी सी तकलीफ दे, तो डोंट वरी, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी तो हम आपको वापस से उस लेक्चर को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। यस चलो, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया है, कल इनमें से ऐसे कितने थे मालिक यहाँ पे जो फेस वेस में बैठे, जो नहीं आए थे? एक दो, ठीक। तो आप लोग एटलीस्ट देख करके आए हो क्या हुआ है कल? यस। तो जो भी बच्चा ये देख रहा है, सीरीज को देख रहा है, मेक श्योर कि आपने पहले के वीडियो जरूर देखे हो ताकि आपको इंटरलिंक लगे। आज के हमारे टारगेट्स क्या है मैं आपको बता दूं। आज के हमारे टारगेट्स है टैक्स रेट पढ़ना है, हम लोग को टैक्स कैलकुलेशन पढ़ना है। जब भी हम कुछ करेंगे, पहले जो हमने कल किया उसका एक क्विक रिविजन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक्सपेक्टेड आपसे यह है कि साथ साथ में आप लोग आपका नया मॉड्यूल जो आया है या आपके पास जो रेफरेंस बुक है व्हाट्स एवर, आप उससे साथ साथ में पढ़ रहे हो, ताकि उतना आप मेरे साथ कंप्लीट करो ना डेली टारगेट बेसिस पे, तो आपका काम हो जाएगा। मैं पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी करने जा रहा हूं। पूछो क्या? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री इस फास्ट ट्रैक के साथ। तो लेकिन एक शर्त है, जैसे ही हमारा यहां का टॉपिक खत्म होगा, मैं डेली आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर टारगेट्स दूंगा कि आपको आज और कल में क्या करना है, ठीक है? डेली बेसिस पे आप लोग, हो सकता है स्टडी के टाइम पे नहीं भी हुआ हो तो यही वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा आपको, अगर इंस्टा यू नो उस टाइम पे अफेक्ट कर रहा होगा तो। ये टारगेट्स के साथ साथ आप कंप्लीट करते जाओ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं आपको एक ड्राइव का लिंक दूंगा जिसमें सारे पेपर अपलोडेड है। ध्यान से सुनना मेरी पूरी एक एक बात को, सारे पेपर अपलोडेड है जिसमें टॉपिक वाइज पेपर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। जैसे ही आपका खत्म हुआ आप अपलोड करेंगे, जैसे ही होगा और उसके बाजू उसका आंसर शीट भी अपलोडेड रहेगा, बराबर है? चेक द आंसर शीट ओनली व्हेन यू कंप्लीट द पेपर, उसके पहले देखने का ही नहीं। मेरे लिए ये भी काफी होगा अगर आप उस पेपर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखो इससे फायदा ये होगा क्योंकि और कोई कर नहीं रहा है, लेट्स डू इट। एटलीस्ट ये पेपर तो एटलीस्ट हम लोग यू नो पूरा का पूरा कंप्लीट करें। तो एक और मेरे तरफ से आप लोग को गिफ्ट है, हर एक टॉपिक के बाद साथ साथ में डेली टारगेट दूंगा। ये डेली टारगेट आपको कंप्लीट करना है, टेलीग्राम पर डेली टारगेट आ जाएगा। ये डेली टारगेट एटलीस्ट मेरे साथ खत्म कर लो ताकि आपका ये सब कुछ साथ साथ में खत्म हो जाए, पेपर और उसी के साथ। हाँ, आपको पेपर कहीं भेजना नहीं है, तुरंत वही क्वेश्चन है और तुरंत वही आंसर है। इस पेपर को खत्म कितने मिनट में करना है मैं आपको वो स्ट्रेटेजी सबसे पहले बता दूं। देखिए एग्जाम के अंदर में वी हैव 180 मिनट्स, से यस 3 आवर्स फॉर 60 मिनट्स ईच, तो 180 मिनट्स। हमको पेपर कितने मार्क्स का है? 100, बराबर है? यानी एवरी मार्क हैज गॉट 1.8 मिनट, ठीक है? अगर 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मार्क्स भी वहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है? 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 5 × 1.8, 9 मिनट में वो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। और उसी टाइमलाइंस के बेसिस पे जितने मार्क का आपको पेपर में आपको दूंगा ड्राइव के ऊपर, उतने मार्क का आपको क्या करना है, उतने मिनट में सॉल्व करना है। तो उसके अंदर में सारी चीजें लिखी हुई होगी, मैं सिर्फ आपको आज ही उसका मैनर क्या कर रहा है बता दे रहा हूं। इज दैट डन? चलो जी लेट अस स्टार्ट। कल हम लोगों ने क्या किया था, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भैया नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी कौन है जो लॉ को पास करेगा? दो, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, से यस। Yes, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है, बराबर है? सरचार्ज लेकिन डिवाइड होता नहीं, सरचार्ज किसके पास रहता है? यूनियन, और सेस को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। ये तीनों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पार्ट है, यस और नो? यस। अच्छा जी, इसके बाद इस टैक्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, सरचार्ज को नहीं किया जाता, सेस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बाजू रखा जाता है। अच्छा जी सर, जो हम टैक्स पे करते हैं वो तीन अलग अलग मैनर में है। इनकम रिसीव होने से पहले ही हमारा क्या हो जाता है, टीडीएस। रिसीव होने के बाद इफ सर्टन कंडीशन आर सेटिस्फाइड आप क्या करते हो, एडवांस टैक्स। एंड उसके बाद क्या होता है सर, फाइनल जो टैक्स होगा वो आप सेल्फ असेसमेंट में पे करते हो। यहां से हम आगे गए, इनकम टैक्स वर्क्स ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस, जिसका मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स था।
फिर ये टैक्स कलेक्ट करने का पावर कौन रखता है? आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7 हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो है एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट है, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं है, तो वो स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 के अंदर में कवर किया गया है। यस, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेज है, राइट? सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, दीज आर क्लासिफाइड इन 5 हेड्स। व्हाट आर दोस 5 हेड? सैलरी, एचपी, पबजी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। हमें एक ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम निकालना, टोटल इनकम निकालना। ग्रॉस टोटल इनकम इज इनकम ऑफ ऑल 5 हेड आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ विल बिकम ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से चैप्टर 6 के डिडक्शन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। याद आ रहा है, राइट? सभी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, कुछ इनकम में से डिडक्शन और एग्जम्पशन भी मिलता है। डिडक्शन वाली इनकम को हम इनकम में ऐड करते हैं और कंडीशन सेटिस्फाई होने पर डिडक्शन लेते हैं। एग्जम्प्ट इनकम को हम टोटल इनकम में काउंट करते नहीं। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है? स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में 3 चीजें हैं। एवरीवन जल्दी से बताइए, पहला एक्ट, फिर रूल्स, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्क्यूलर। याद आ रहा है क्या आपको? राइट, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्क्यूलर। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर। फिर हम लोगों ने देखा था हर साल क्या आता है बेटा? बजट। हर साल क्या आता है बेटा? बजट, राइट? बजट, बोलो जी। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है? FRBM एक्ट के हिसाब से आता है। बजट के कितने टाइप है? 2, राइट? जब भी बजट आता है, इसका एप्लीकेबिलिटी कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आपके अटेम्प्ट के लिए, दैट इज मे, नवंबर, जून, दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए कौन सा बजट लागू होगा? 23। और आपका अटेम्प्ट अगर 25 में होगा तो कौन सा बजट लागू होगा? 24। तो जो 1 फरवरी को आने वाला है 2024 को, उस बजट का आपके अटेम्प्ट से कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है मालिक? फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने सेक्शन 4 चालू किया। याद आ रहेगा, सेक्शन 4 के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिस ऑफ चार्ज। चलो जल्दी से बताओ, बेसिस ऑफ चार्ज कौन कौन सा है? द एक्ट इज, द इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग, जल्दी जल्दी बोलो। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BY, लोकल अथॉरिटी, AJP, ठीक है। असेसी का डेफिनेशन बोलो। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इनकम और लॉस इफ ही इज असेसेबल डीम टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट। खत्म। यहां से हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देखा। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, बराबर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है? क्या प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है? अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ सेटअप, डेट ऑफ कमेंसमेंट। एक्ट में क्लियर यही लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर स्टार्ट एवरी ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल। असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो सकता नहीं। यस, जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसके कितने एक्सेप्शन है? 5। ये क्या कर रहा था? गणपति डांस। इतने में कौन आई? शिप। शिप से कौन उतरी? सुंदर कन्या। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी? रॉक स्टार। ये कितने काम करके आएगा? 2। अपना सारा सामान बेच के आएगा, अपनी दुकान बंद करके आएगा। जैसे ही वापस आया, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे। कम ऑन, स्टार्ट। गणपति से क्या याद आएगा? AOP BOI, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दूसरा, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। तीसरा, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। यहां तक के हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। यानी अगर हम सेक्शन 4 पे वापस लौटे, अगर हम क्या हुआ? अच्छा, वो हुआ नहीं है क्या? अरे भाई, तभी बोलूं मैं, 2 मिनट रुकिए सर। ओए होए, तभी मैं बोलूं, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। वाह यार, देखो आधा बच्चा परेशान हो गया होगा अब तक के, भारत का, दुनिया भर के कॉल आ गए होंगे तुमको अब तक के। अभी मैं बोलूं, अभी तुमको दुनिया भर के कॉल आ गए होंगे तब तक के। तो ये देख, अभी ये स्ट्रीम में तकलीफ आ रही है। कोई बात नहीं, रुक जा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ जी, चलिए, ये ले, जस्ट 2 मिनट। मैंने बोला था ना, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ तो आता ही है। चल, आ गया, आ गया, आ गया। वाह वाह वाह। हाँ जी,
हाँ, कुछ आया है। हाँ जी सर, वाह पूरे, अरे एकदम, इतने कॉल मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, है ना सर, हार्ट बीट रुक गई थी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो क्या हुआ था सर, यहाँ पे कुछ अनलिस्टेड था, वो हटाना भूल गए थे, फिर बाद में अभी आके उसको पब्लिक किया। हम क्या कर रहे थे, अभी तक आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, हम कल का रिविजन ही कर रहे थे, टेंशन मत लीजिए, हम कल का क्या था, रिविजन ही कर रहे थे, ठीक है। चलो ओके, तो सेक्शन फोर पे हम लोग थे कल, और सेक्शन फोर के अंदर में सिर्फ एक वर्ड बताया था जो हम लोगों ने नहीं देखा था, बोलो कौन सा, एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं रेट ऑफ टैक्सेशन को, कि भैया टैक्सेशन का रेट क्या है, यस टैक्सेशन का रेट क्या है, चलो आओ। अब टैक्सेशन के रेट में हमारे पास दो तरीके के रेट है, ध्यान से सुनना, टैक्सेशन के रेट में हमारे पास कितने तरीके के रेट है, दो, आ जाओ रेट ऑफ टैक्स। टैक्स के अगर रेट देखा जाए तो बेटे दो है, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट, बात समझना। द रेट ऑफ टैक्स आर ऑफ टू टाइप, द रेट ऑफ टैक्स आर ऑफ टू टाइप, पहला रेट है नॉर्मल रेट, दूसरा रेट है स्पेशल रेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ टैक्स इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ होता है बेटा, शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ होता है, नॉर्मल रेट, जिसको हम अलग शब्दों में एक और शब्दों से जानते हैं स्लैब रेट, जिसको हम एक और शब्दों से जानते हैं कौन सा बेटा, स्लैब रेट, यस ये हो गया आपका नॉर्मल रेट। दूसरा होता है स्पेशल रेट। अब देखिए कई ऐसी इनकम होती है जो ऑन अ रेगुलर बेसिस अराइज नहीं होती, यस जैसे प्रॉपर्टी सेल किया तो कैपिटल गेन आ गया, लॉटरी इनकम आ गई, ड्रीम इलेवन से विनिंग आ गई, अभी कोई डेली बेसिस पर अराइज होने वाली इनकम नहीं है, तो ये इनकम हो गई आपकी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम के लिए आपके लिए इनकम टैक्स ने स्पेशल रेट रखे हुए, बट दी स्पेशल रेट आर मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट ओनली एंड नॉट इन स्लैब रेट। तो स्पेशल इनकम आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट, ये एमसीक्यू है। तो स्पेशल इनकम आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट, अच्छा जी सर। चलिए अब जरा समझते हैं 2019 के अंदर में क्या हुआ, इन 2019 राइट हुआ ये कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो थी, मोदी गवर्नमेंट जो थी, ये आई, उसके अंदर 2019 के अंदर में चीजों के भाव बढ़े, कोविड भी आ चुका था तो प्राइसिंग जो थी वो बहुत बड़ी, तो लोगों ने समस्या रखी कि भैया हमारे लिए क्या करो आप, टैक्स के जो बेसिक स्लैब रेट है उसको इंक्रीज कर दो, जो 2,50,000 था जो कई सालों से कांस्टेंट है आप इसे क्या करो इंक्रीज, और एक कांस्टेंट प्रेशर था क्योंकि भाव बढ़ रहे थे चीजों के, तो एक तरफ भाव की भी मार दूसरी तरफ टैक्स की भी मार, आदमी के लिए सेविंग्स तो बचेगा ही नहीं ना, तो लोग कह रहे थे, पूरा पब्लिक कह रहा था कि आप स्लैब रेट बढ़ाओ स्लैब रेट बढ़ाओ स्लैब रेट बढ़ाओ। निर्मला सीतारमन जी ने यूएसए से एक कंसेप्ट उठा के लेके आ गया, इसको कहा ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसको क्या कहा ऑल्टरनेटिव टैक्स, और ऑल्टरनेटिव टैक्स के अंदर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखिए हम लोग स्लैब रेट चेंज नहीं कर रहे, द स्लैब रेट विल रिमेन सेम, हम आपको अल्टरनेटिव दे देते हैं, आप अल्टरनेटिव टैक्स के ऊपर आ जाओ, यू हैव टू ऑप्शंस टू टेक ऑल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एंड पे द टैक्स एट हाई रेट, यस आप सारे डिडक्शन ले लो सारे एग्जम्पशन ले लो और पे द टैक्स एट हाई रेट, और अल्टरनेटिवली आप कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन जो हम बोलेंगे वो छोड़ दो एंड पे द टैक्स एट लोअर रेट। अब हर तरह की कैटेगरी को हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया, अंडरस्टैंड करना कि सब कुछ कहां मिलता है जिंदगी में, कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, यस उन्होंने भी यही किया कि आप कुछ छोड़ो हम भी कुछ छोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या करो कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो लोअर रेट पे कर दो, और आपको डिडक्शन एग्जम्पशन लेना है आप हायर रेट पे करो, तो आपको दे दिया था अल्टरनेटिव। 2019 से लेकर के 2022 तक के ये बिल्कुल सिस्टम अच्छे से चला राइट, फिर आया फाइनेंस एक्ट 2023, उस टाइम पे शायद दीदी ने अक्षय कुमार का एक पोस्ट देखा, पहले अमेंडमेंट के साथ डील करने जा रहा हूं, नवंबर 23 तक के जितने स्टूडेंट है, फॉर दैट मैटर दिसंबर 23 तक के स्टूडेंट, होता क्या था कि आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करते थे ये ओल्ड स्लैब दैट इज स्लैब रेट से करते थे, यानी आफ्टर ओल्ड स्कीम का मतलब होगा ओल्ड टैक्स रेट, आईसीएआई से कोई इसका लेन देन नहीं है,
ये चेंज फाइनेंस एक्ट का है। तो आप जब भी टैक्स कैलकुलेशन बोला जाता था, अनलेस एंड अंटिल द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली मेंशन कि ही हैज ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, ठीक है, तब तक के वो क्या होता था, नॉर्मल स्लैब रेट से कैलकुलेट होता था। हर डिडक्शन एग्जम्पशन दिए जाते थे, नॉर्मल स्लैब रेट से एवरीथिंग वॉज कंप्यूटेड, नॉर्मल स्लैब रेट से एवरीथिंग वॉज कंप्यूटेड। लेकिन इस साल से उन्होंने क्या किया, देखिए क्या समझदारी दिखाई है। बजट ईयर के जिस साल इलेक्शन होता है ना, इसके पहले का ईयर जो होता है ना, ये ड्रीम बजट होता है, भर भर के लोगों को बेनिफिट दिया जाता। जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही थी और इंडिया का जीडीपी भी बढ़ रहा था, उस हिसाब से आपको क्या लगता था, 5 लाख तक के टैक्स होना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। अब निर्मला दीदी ने इतना गजब गेम खेला, उन्होंने बोला वैसे भी जिन जिन लोगों को, जिन जिन डिडक्शन को हम कह रहे हैं कि 115 बीएसी में आप ये नहीं लोगे, वैसे भी मैक्सिमम पब्लिक भारत का वो क्लेम नहीं करता, तो इनको 5 लाख के जगह 7 लाख तक का बेनिफिट दो। 2024 में इलेक्शन भी है, खैर रिजल्ट हम सबको पता है कि कोई तो जीतेगा ही, समझ में आ रहा है? रिजल्ट खैर हम सबको पता है कि जीतना किसको है, बराबर है कि नहीं? जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, वो जो भी दिया होगा, बराबर है। अब पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ये हो गया कि इनको बेनिफिट देना था, बेनिफिट मैक्सिमम कहां था, 115 BAC, कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो और सब ले लो। अब एक समझदारी देखिए, पिछले साल तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल था जो 115 बीएसी में नहीं था, पर भारत में बहुत बड़ा क्राउड जॉब पे है, इनके वोट को तो, सॉरी इनके सेंटीमेंट्स को तो हर्ट नहीं कर सकते थे। अब बात समझ रहे हैं मेरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, अब पूरा पब्लिक का गेम हो गया, सबको हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। फर्दर एक और चेंज, पिछले साल तक 115 बीएसी का भी स्लैब लिमिट क्या रखा था, 2.5, इस साल उसको भी 3 कर दिया, मतलब रिबेट को पहुंचा दिया 7 लाख पे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को पहुंचा दिया 3 लाख पे, आदमी चाह करके भी ओल्ड स्कीम में ना जाए, पर ऑप्शन तो ओपन रखा, जाना है जाओ, हम कह रहे हैं मत जाओ। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, मैं बोल रहा हूं हमने ये बेनिफिट इधर दिए, अब तुम डिसाइड कर लो तुमको कहां जाना है, ये सुनो हमने तो चॉइस ओपन रखी है, तुम डिसाइड कर लो तुम्हारे को क्या करना है। ये गेम बना और तब जाकर के ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या किया गया, स्वाइप, जो आपकी ऑल्टरनेटिव स्कीम थी, अब उसको हियर एंड आफ्टर हम कहेंगे डिफॉल्ट स्कीम, हियर एंड आफ्टर हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट स्कीम, और ये बन गई ओल्ड स्कीम। समझ में आ रही बात? तो अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू आर गोइंग इनटू ओल्ड स्कीम, जिसको अब अल्टरनेटिव कहा जाएगा, तब तक के आप हमेशा 115 बीएसी से कैलकुलेट करोगे, एंड दैट कॉल फॉर चेंज इन द होल गेम। समझ में आया? अब ICAI और MAI का न्यू सिलेबस गया अलग और यहां का गेम हो गया अलग। समझ में आ रहा है? तो चलिए, अब सबसे पहले न्यू स्कीम को समझने से पहले हम फिर से एक बार पहले ओल्ड स्कीम पूरा का पूरा पढ़ते हैं और फिर न्यू स्कीम पूरा का पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल जगह पे चेंजेस है, तो हमें पहले ओल्ड स्कीम को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वापस से, और फिर हम वापस से कहां जाएंगे, न्यू स्कीम के अंदर में। तो लेट अस स्टार्ट, राइट, ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन, बराबर है, इसमें हम जाएंगे बेटा ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन। ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स, जिसे अब क्या कहा जाएगा, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जिसे अब क्या कहा जाएगा, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, बराबर। चलो अब इसके तहत सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स स्कीम में स्लैब रेट की, क्या स्लैब रेट के अंदर में कहीं कोई चेंज आया है क्या, द आंसर इज नो। स्लैब रेट के अंदर में कोई चेंज आया है क्या, द आंसर इज नो, यहां कोई चेंज नहीं आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिलो 60 हु इज रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP। तो इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP,
इन सभी के लिए इफ द टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, ये बिल्कुल सेम रहा है तो चलो फटाफट रिवाइज करो क्या था, अप टू 2,50,000 वॉज देर एनी टैक्स, नो, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख, 5% शॉर्टकट कितना था बेटा 12,500, शॉर्टकट कितना था बेटा 12,500, फिर आपका 5 लाख टू 10 लाख कितना था बेटा 10% या 20%, कुछ याद नहीं आ रहा, 5% या 20%, 20% शॉर्टकट कितना हो जाता था 1,12,500 एंड अबव 10 लाख 30%, एवरीबॉडी यस, हम इनके ऊपर प्रॉब्लम ये वो सब सॉल्व करेंगे, सबर रखना बस। तो यहां कहीं कोई चेंज नहीं आया है। दूसरा, इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबव अप टू 80 इयर्स, एक बात याद रखिए ये स्लैब किसके लिए है, असेसी इंडिविजुअल होना, असेसी रेसिडेंट होना, नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन भी है तो वो पहले स्लैब में आएगा, दूसरे स्लैब में आने वाला नहीं है, ठीक है। इनके लिए बताइए टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, शॉर्टकट कितना बेटा 10,000, 5 लाख टू 10 लाख 20%, शॉर्टकट कितना बेटा 1,10,000 एंड अबव 10 लाख कितना परसेंट बेटा 30%। जिनको ये शॉर्टकट नहीं भी समझ में आया लिख, मैं हूं, मत टेंशन के, व्यू नको मैं तुझे समोर उबा है। बराबर, फिर तीसरा कैटेगरी बना इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव, इस लैब में आने के लिए बहुत दो ही बेसिक कंडीशन है, आपको जिंदा होना है और इनकम भी कमाना है, छोटी सी कंडीशन है, जिंदा भी होना चाहिए आप, 5 लाख तक के क्या पकड़ा जाएगा बेटा नील, 5 लाख टू 10 लाख क्या होगा बेटा डायरेक्टली 20%, शॉर्टकट कितना आएगा 1 लाख एंड अबव 10 लाख कितना रहने वाला है बेटा 30% डैश, ठीक है। कुछ बच्चों के कल हमको मेल आए, सर जो आप लिख रहे हो वो हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे क्या, ठीक है, इतना स्पून फीडिंग सही नहीं है, ये होगा भी नहीं, इतना स्पून फीडिंग सही नहीं है, कुछ काम खुद से करने पड़ते हैं, उनमें से ये भी एक है, हर जगह मैं नहीं आ सकता ना, कुछ काम खुद को करने पड़ेंगे, उतनी ही हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और मेरी हैंड राइटिंग बहुत घटिया है तो तुमको कोई काम भी नहीं आने वाली है, ये ठीक है मालिक, हाँ या हाँ, चलो, यानी अगर आप देखेंगे स्लैब रेट में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, जो हम ओल्ड स्लैब पढ़ते थे वही स्लैब पढ़ रहे हैं, स्लैब में कहीं कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक, ओके। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या सिर्फ टैक्स निकालते वक्त सिर्फ टैक्स ही निकलता है या एचईसी भी ऐड होता है, एचईसी भी ऐड होता है, तो इसी के नीचे हमें नोट्स भी डालना है, इसी के नीचे हमें नोट्स भी डालना है, नोट नंबर 1, आफ्टर टैक्स वी एड एचईसी एट द रेट ऑफ 4%, तो टैक्स के साथ साथ हम लोग एचईसी भी निकालते हैं और हम उसको कहते हैं एट द रेट ऑफ 4%। सर पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको एचईसी बोल के यूज कर जा सकता है पेपर में भी, तो पहला नोट एचईसी कितना परसेंट रहेगा बेटा 4%, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दूसरी चीज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है, पहले मैं रिबेट का मतलब समझा देता हूं बेटा, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा रिबेट का कंसेप्ट लाया क्यों, बेस समझना, रिबेट का कंसेप्ट लाया क्यों,
राइट। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, लोगों की डिमांड थी आप स्लैब रेट भी बढ़ा दो, बराबर है। इमेजिन कीजिएगा किसी एक व्यक्ति को, भाई इधर जल्दी आ जा तू, ठीक है। इमेजिन कीजिए ये जो भाई है, ये है हमारा सलमान खान, ठीक है, ये मेरे भाई है सलमान खान, और मैं एक आम गरीब आदमी, बात समझना, ठीक है। अब समझिए, सलमान भाई का इनकम आपको नहीं लगता 5 करोड़ के ऊपर तो आराम से होगा, ठीक, सोते सोते भी, आई मीन टू से, मतलब आराम से, उन इन्वेस्टमेंट ही इतना है कि कहीं भी निकल जाएगा। तो सलमान भाई का इनकम 5 करोड़ के ऊपर होगा, मानोगे कि नहीं मानोगे, ठीक है। अब बात समझना, इंडिविजुअल बिलो 60, अगर बेसिक स्लैब रेट बढ़ा दे 2.5 लाख के जगह 5 लाख कर दे, सलमान खान को जरूरत है क्या इस बेसिक स्लैब लिमिट की? अगर बेसिक स्लैब लिमिट मैंने 5 लाख रुपए कर दिया तो सलमान भाई को भी वो बेनिफिट मिल जाएगा जिसको एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसको है? मुझ जैसे गरीब को, यस और नो, जरूरत किसको है? अरे भाई अभी वी ऑल आर इन द सेम गेम, अमीर तो वो है जिसने पैसे चार्ज किया, वी ऑल आर इन द सेम, अमीर तो वो हुए ना, सरचार्ज में तो वो गए जिनने पैसे चार्ज किया, हम तो वैसे चल रहे हैं, बात समझना, श्रमदान सुनना, अब बात समझना बेटा, सलमान भाई को 5 लाख के बेसिक इनकम लिमिट की जरूरत नहीं है, इनको वो बेनिफिट दे दिया सेम। अब इन्हीं को अंबानी जी अज्यूम कीजिए, इन्हीं को अडानी जी अज्यूम कीजिए, इनको जरूरत है नहीं, पर अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनके लिए भी बढ़ा दिया तो उनको भी मिल जाएगा जिसको लॉजिक ही नहीं है। इसीलिए रिबेट नाम का कंसेप्ट लेके आया कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ उन्हीं को क्या करना है, रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू सर। रिबेट किस किस को मिलता है? पहला असेसी कौन? अच्छा, कई बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन ये है रिबेट 7 लाख हो गया, हुआ है 115 BAC में, ओल्ड स्कीम में रिबेट सेम है, यहां कुछ नहीं बदला। तो असेसी शुड बी, बोलो बेटा, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, दैट मींस इंडिविजुअल के अलावा रिबेट किसी को भी मिलता नहीं। दूसरा, ही इज रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलता नहीं। टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल। अब कुछ बच्चों का डाउट मैं यही क्लियर कर दूं, क्या सर लॉटरी इनकम से भी रिबेट मिल सकता है क्या? मिल सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। एक ही इनकम मेंशनड है जिसमें से रिबेट नहीं मिलता, एनीवन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, उस इनकम को छोड़ के बाकी हर इनकम इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम से भी रिबेट मिल जाएगा। पहला डाउट क्लियर हो गया सबका, राइट। नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड, बोलो बेटा कितना, 5 लाख। ये 7 लाख नहीं हुआ है, इस मिसकंसेप्शन में मत रहना, ये एज इट इज है। तो रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, लोअर ऑफ ए एक्चुअल टैक्स, बी 12,500। सो रिबेट अंडर द ओल्ड स्कीम हैज नॉट चेंज्ड, रिबेट अंडर द ओल्ड स्कीम हैज नॉट चेंज्ड, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5 लाख। इसीलिए जो 5 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे, जिनको जेन्युइन बेनिफिट मिलना चाहिए था, लगभग उनका टैक्स जीरो कर दिया, उनकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी, उनकी जो डिमांड थी वो क्या कर दी, पूरी। अगर स्लैब रेट ही बढ़ा देते तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता जिसको जरूरत नहीं थी। इसलिए भारत सरकार पिछले 3 सालों से स्लैब रेट के साथ नहीं खेल रही, रिबेट के साथ खेल रही। लॉजिक समझा सभी को? यस, चलो जी। सो असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अब देखिए हम अकाउंट्स, अच्छा एक और पॉइंट, अलग कलर का पेन हो तो प्लीज लिखिए, रिबेट नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. इज दिस डन? अच्छा, तीसरी चीज, अब एक बात समझिए, हम लोग अकाउंट्स में तो है नहीं, हम लोग अकाउंट्स में तो
है नहीं। अब होता क्या है, अकाउंट्स के अंदर में हर इनकम जो आती है वो कंप्लीट फिगर के अंदर में आती है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। लॉजिकली सोच के देखिए, किराना दुकान है और 31 मार्च को उसने एक लास्ट पार्ले जी सेल किया, प्रॉफिट एग्जैक्ट अमाउंट आ सकता है क्या? नहीं। तो इनकम टैक्स में इनकम या टैक्स दोनों राउंड ऑफ करके नहीं मिलते। तो अगर इनकम टैक्स में इनकम या टैक्स दोनों राउंडेड ऑफ नहीं है तो देयर इज सेक्शन, सेक्शन 288A, 288B। सेक्शन 288A बोलता है टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। कई बच्चे बेसिक मिस्टेक करते, हेड की इनकम निकाली उसको राउंड ऑफ कर देते, नहीं, टोटल इनकम आखिरी वाली, टोटल इनकम डिडक्शन माइनस करने के बाद वाली इनकम को क्या करना है, राउंड ऑफ। और बच्चे हेड की इनकम को राउंड ऑफ करके आ जाते, यहां वो हाफ मार्क काट लेता। आप बोलोगे मैंने तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही सॉल्व किया था, बराबर है, कंसेप्चुअल मिस्टेक करके आया है, कंसेप्चुअल मिस्टेक करके आया है। टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स नीड टू बी राउंडेड ऑफ। जो फाइनल टैक्स आएगा आफ्टर रिबेट सरचार्ज से सब, वो राउंड ऑफ करना होता है। तो देयर इज अनदर कंसेप्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स, दैट इज राउंड ऑफ। 288A, 288B, टोटल इनकम राउंड ऑफ, टोटल टैक्स राउंड ऑफ। इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10, टोटल इनकम राउंड ऑफ, टोटल टैक्स राउंड ऑफ, बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। अब ये इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10 बड़ा टेक्निकल सा शब्द है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। मान के चलो कुछ फिगर टोटल इनकम या टोटल टैक्स की, 31802, 31805, 31809, कुछ इस तरह की फिगर है। आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे? आसान शब्दों में आखिरी वाली फिगर पे फोकस करना। कौन सी फिगर पे फोकस करोगे? आखिरी वाली फिगर पे फोकस करना। आखिरी फिगर अगर अप टू 4 है, 1, 2, 3 या 4, तो लोअर साइड राउंड ऑफ, नहीं तो हायर साइड राउंड ऑफ। यानी अगर वो 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ। तो यहां पे आप राउंड ऑफ कैसे करोगे? 31800, यहां पे 31810, समझ में आई बात? और यहां पे 31810, सॉर्टेड है ब्रो? Yes, तो सिंपल है आखिरी फिगर पे फोकस करने का। आखिरी फिगर अगर अप टू 4 है तो लोअर साइड, नहीं तो हायर साइड राउंड ऑफ कर देने का। इज दैट डन? तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ये तीनों चीजें आएंगी ही। प्रॉब्लम लेने वाला हूं, एक साथ लूंगा, एक ही कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है? रुकना, होल्ड करना। अब देखिए, एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 28/2016, जो बेस्ड था प्रभु दयाल सिस्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे, ठीक है? अब तक के इस सर्कुलर 2016 से आया हुआ है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आया, पर रेलेवेंट है, सुनना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को ही क्या बन रहा है, सीनियर सिटीजन बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को ही क्या बन रहा है, सीनियर सिटीजन, इन शॉर्ट उसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल। ये सर्कुलर सिर्फ उन लोगों के लिए जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। तो मान लीजिए मैं 1 अप्रैल के दिन, अप्रैल फूल के दिन सीनियर सिटीजन बन रहा हूं, पिछले साल तक के मैं क्या था? 31 मार्च तक के नॉन सीनियर, 31 को क्या बन गया? सीनियर सिटीजन। अब मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने का मिलेगा? 2.5 लाख या 3 लाख। इस बात के ऊपर बहुत बड़ा घमासान हुआ प्रभु दयाल सिस्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, और इस पे कोर्ट का जजमेंट आया कि भैया देखो, आदमी का जो बर्थडे है ना, वो एक्चुअली एक दिन पहले ही अचीव हो जाता है। और एनी पर्सन जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है, इसका एक्चुअल बर्थडे तो तुम रात 12 बजे ही मना ले, तो 31 को ही वो एज को अटेंड कर चुका है। इसीलिए हम मानेंगे कि प्रीवियस ईयर में ही वो क्या हो चुका है, सीनियर सिटीजन, एंड ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस, अब ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता एग्जामिनर कभी आपको इस पर टेस्ट भी करेगा, पर इस बात को याद रखना, ये सिर्फ उनके लिए जिनका बर्थडे कब आ रहा है 1 अप्रैल, ये सिर्फ उनके लिए जिनका बर्थडे कब आ रहा है बेटा 1 अप्रैल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो यहां पे सर्कुलर नंबर 28/2016, इफ अ पर्सन अचीव सीनियर सिटीजन एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, BEL, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जिसका 2 अप्रैल को आ रहा होगा वो
उसके लिए बेटा ये सर्कुलर एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको हम नॉन सीनियर ही मानेंगे, फिर अगले साल से वो सीनियर माने जाएंगे। इज दैट डन? चलो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिस पेज पे भी आप लिख रहे हैं, जिस पेज पे भी आप लिख रहे हैं उसे टर्न कीजिए, एक लेफ्ट साइड वाला पेज वैसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है? जिस पेज पे आप लिख रहे हैं ये पेज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो पेज है वो भी एक पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट पेज से आप चालू करेंगे, ठीक है? सिंगल सिंगल साइड ऑफ द पेज एग्जाम्पल्स मेरे साथ चालू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन, टैक्स प्लस रिबेट प्लस राउंड ऑफ प्लस सेस, एक ही इसमें सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.1, टोटल इनकम 2,42,630। अब देखो बेटा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1.2, टोटल इनकम 4,96,232। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। बताइए मेरा टोटल इनकम ही आपको दिया हुआ है 2,42,630, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेट में देखो, आप सबको ना लॉ बिल्कुल पता होगा, मैक्सिमम मार्क्स कहां कटते हैं जहां प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो। इसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन, ठीक है? इसमें से सबसे पहले माइनस किया मैंने बेसिक एग्जम्पशन, दैट इज 2,50,000। दो बातें और याद रखे, अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया इंडिविजुअल है, प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया रेसिडेंट है, प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया नॉन सीनियर है, ठीक है? तीनों अजम्पशन है। यही अजम्पशन वो अजम्पशन है जो कहीं लिखा नहीं है, पर हर प्रॉब्लम इसी अजम्पशन से सॉल्व होता है, चाहे आप सीए सीएस सीएमए कुछ भी कर रहे हो, डजंट मैटर, राइट? अब मुझे बताइए, बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 मिलेगा और फिर बैलेंस रिफंड आ जाएगा, बराबर ना? कि यहां पे कुछ गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ है। आपको बेसिक एग्जम्पशन ही कितने का मिल जाएगा? 2,42,630, और आपका बैलेंस क्या पकड़ा जाएगा बेटा? निल, और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? निल। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा कि एक काम होगा बैलेंस रिफंड आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, है ना? ऐसा कुछ मत कर लेना, ठीक है? अच्छा दूसरा, अब बताइए इसमें से क्या होगा? इसमें से हम बेसिक एग्जम्पशन माइनस करेंगे, हाँ बराबर ना? कि पहले कुछ और करना पड़ेगा? बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। हम सबसे पहले इस चीज को क्या करेंगे? राउंड ऑफ 4,96,230, बराबर। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000, तो 4,96,230 माइनस 2,50,000, आपका बैलेंस बच जाता है 2,46,230, बराबर है? इस पे टैक्स रेट लगाओ, बताओ टैक्स रेट कितने परसेंट का होगा? 5%, बिकॉज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो यहां पे आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा बेटा? ये आया 1,23,12, 11.5 आएगा। आप उसको सीधा 2 ले सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है? याद रखना एक खाद रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टोटल इनकम या टैक्स वैसे भी राउंड ऑफ होने वाला है। हाँ जी, अब मुझे बताइए, इज असेसी इंडिविजुअल? कुछ बोला नहीं तो मैंने आपको जम्पशन बताया। इज ही रेसिडेंट? टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो क्या माइनस होगा इधर से? रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर आपने एचईसी तो लगाया ही नहीं। बढ़िया बेटा, एचईसी फाइनल टैक्स पे आता है। एचईसी किस पे आता है? फाइनल टैक्स पे आता है, तो यहां एचईसी नहीं लगेगा, पहले रिबेट माइनस होगा। तो बोलो रिबेट कितना होता है? 100% ऑफ टैक्स, यस 100% ऑफ टैक्स, दैट इज 12,312 और रुपीज 12,500, विच एवर इज लोअर,
तो आपका टैक्स ही क्या हो गया बेटा, निल। आपका टैक्स ही निल हो गया, तो HEC भी निल हो गया एंड आपका फाइनल टैक्स भी क्या हो गया, निल। आप देख सकते हैं एक ही प्रॉब्लम में राउंड ऑफ, रिबेट, HEC, टैक्स सब आ गया। पक्की बात मालिक? ओके। द मोमेंट आप आगे बढ़ते हैं, द मोमेंट योर इनकम एक्सीड 2,50,000, द मोमेंट योर इनकम एक्सीड 2,50,000, देर विल बी 5%। द मोमेंट योर इनकम एक्सीड 5 लाख, द टैक्स विल बी एट द रेट ऑफ 20%, द टैक्स विल बी एट द रेट ऑफ 20%। तो आप समझते हैं हमने शॉर्टकट कैसे निकाला, राइट? क्योंकि ऐसे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हो, शॉर्टकट समझिए कैसे निकाला। अपने कैलकुलेटर पे लीजिए प्लीज, 5 लाख अपने कैलकुलेटर पे लीजिए, और मेरे तरह आप हर जगह के शॉर्टकट निकाल पाओगे, क्योंकि 115 BSE में मैं ही तुम्हें बोलूंगा शॉर्टकट निकालो। तो शॉर्टकट का कंसेप्ट समझ लेना हियर एंड आफ्टर सदैव के लिए। 5 लाख, 5 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000, क्योंकि यहां तक के तो कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। बैलेंस कितना बचा? 2,50,000। इस पर टैक्स रेट कितना है? 5%। शॉर्टकट कितना आया? 12,500। यानी 5 लाख तक की इनकम पे एग्जम्पशन हटाते हुए हमेशा टैक्स कितना आएगा? 12,500। हमेशा टैक्स कितना आएगा? 12,500। अब एग्जाम में आप इस शॉर्टकट को बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको 5 लाख के ऊपर की इनकम दिखी, 5 लाख तक का टैक्स कितना आ जाएगा? 12,500। बैलेंस इनकम के ऊपर आप क्या करो? 20% निकालो। दिस विल सेव योर टाइम। सर इंस्टीट्यूट में ऐसा चलता है क्या? इंस्टीट्यूट ने टैक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया, दे भी नहीं सकती, क्योंकि एक्ट में ही कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मेट नहीं लिखा है, टैक्स कैसे निकालना है उसका। समझ में आ रही बात? तो आप बिल्कुल ये यूज कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन शॉर्टकट ऑल्सो, ठीक है? पर ये आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, समझना। एग्जाम्पल नंबर 1.3 मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाइए अपने रजिस्टर में, ठीक है? टोटल इनकम 6,82,966, ठीक है? अब क्या करो तुम, यहां रुपीज लिख दो और यहां टैक्स लिख दो, तुम्हारा फॉर्मेट बड़े प्यार से आ जाएगा। चलो मेरी भी हेल्प करो थोड़ी सी। सबसे पहले क्या करूं? राउंड ऑफ। बहुत शानदार बेटा, 6,82,970, पक्की बात? अब देखो इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करना या सीधा शॉर्टकट को यूज करना, आपके पास दोनों रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं? दोनों। कंसेप्ट पे भी फोकस करें, ठीक है? आपके पास कितने रास्ते हैं? दो। अब जिनको ये नहीं समझा कि बाकी हंस क्यों रहे हैं, है ना, तो मैं कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूं, सुनो। सिक्स एट टू नाइन सेवन जीरो, ठीक है? अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपके पास दो रास्ते, एक लॉन्ग कट से जाओ, एक शॉर्टकट से जाओ। लॉन्ग कट क्या बोलेगा? पहले 2,50,000 तक के निल, नेक्स्ट 2,50,000 तक के 5% एंड बैलेंस के ऊपर 20%। इसके अगेंस्ट में आप डायरेक्टली कर लो इनकम अप टू, बोलो बेटा कितनी? 5 लाख। अब यहां तक के मेरे बच्चे को तो टैक्स पता ही है, 12,500। बैलेंस कितना बचा यहां पे? 6,82,970 माइनस 5 लाख, यहां बच गया 1,82,970। एवरीबॉडी, इस पे टैक्स रेट कितना होगा? एट द रेट ऑफ 20%। 1,82,970 इंटू 20%, ये आया 3,65। बराबर ना? आपको नहीं लगता मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा टोटल टैक्स बन जाएगा 49,094, दैट इज 49,094। चलो रिबेट देते हैं, क्यों नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। तो डायरेक्टली HEC ऐड कर दूं एट द रेट ऑफ 4%, 1,964 टोटल टैक्स।
51058। चलो खत्म। क्या करना है? पक्का? ठीक, आप जीते, राउंड ऑफ। 51060, 51060 शुड बी द आंसर। शॉर्टकट को कैसे यूज करना है समझ में आया सभी को बच्चे? पक्की बात? ठीक है, शॉर्टकट इस तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, इसी का अल्टरनेटिव भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपने वैसे सीखा हो, आंसर सेम ही आने वाला, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। यहां जितने बच्चे बैठे हैं मत लिखना, सिर्फ समझ लेना। और इसके अलावा क्या हो सकता था? 682970 को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अप टू 2,50,000 क्या पकड़ते थे? निल। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% आता था, 12,500। आपके बैलेंस पे आता था 20%, 36594। आप देखते थे, अल्टीमेटली हम लैंड वहीं होते थे। लिखने का तरीका ही अलग है, समझ रहे हो? कंसेप्चुअली तुम कहीं कुछ अलग नहीं जा रहे, बस लिखने का तरीका तुम क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। समझ में आया बात सभी को? ठीक है, तो ये हो गया अब तक जितना पढ़ा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? सीनियर सिटीजन के लिए भी सिर्फ एज बदलेगा तो स्लैब बदलेगा, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, पीछे आइए वापस से, लिखिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहां मेंशन है, बस वो याद नहीं आ रहा मेरे को। स्पेशल रेट कहां मेंशन है याद नहीं आ रहा? इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है, राइट? देर आर सर्टन इनकम राइट, जो स्पेशल इनकम की कैटेगरी के अंदर में आती है, मतलब डेली बेसिस पे ये अराइज नहीं होती, राइट? हाल फिलहाल में एक एक चीज को लिखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, समझिए जिन जिन बच्चों को याद नहीं है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है, ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आने वाला कैपिटल गेन होता है। मतलब शेयर्स पे शेयर आपने बेचे, आपने STT पे किया, तो जो गेन आता है शॉर्ट टर्म में, हम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाल फिलहाल में ये मत समझिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, मैं आपको कैपिटल गेन में समझा दूंगा। टैक्स रेट समझ लो, इतना ही काफी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A का टैक्स रेट कितना है बेटा? 15%। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये कितना परसेंट है बेटा? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A बियॉन्ड रुपीज 1 लाख, ये कितना परसेंट आएगा बेटा? 10%। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB, ये आता है कितना परसेंट बेटा? 30%। नाउ अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेट से आपने कोई लैंड बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, 20% का टैक्स लगता है। लेट से आपने अगेन शेयर्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे थे, यूनिट्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे थे, वो बेचे, आता है कितना बेटा? 10%। बट बियॉन्ड रुपीज 1 लाख आता है, कैसा बेटा? बियॉन्ड रुपीज 1 लाख। अब ये बियॉन्ड रुपीज 1 लाख क्या है? इसमें 1 लाख रुपए तक के गेन पे टैक्स नहीं लगता, 1 लाख रुपए तक के गेन पे टैक्स नहीं लगता। तो अंडरस्टैंड कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपीज आता है जो 112A का है, उसमें से सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स लगेगा, that too at the rate of 10%। फिर आता है आपका कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के अंदर में क्या आता है आपका? हॉर्स रेस विनिंग, लॉटरी विनिंग, एनी काइंड ऑफ बेटिंग, एनी काइंड ऑफ गेम शो, ये सब आ जाता है कैजुअल विनिंग के अंदर में। ये सब किसके अंदर में आ जाता है? कैजुअल विनिंग के अंदर में। अमेंडमेंट ऑनलाइन गेम्स अंडर सेक्शन 115BJ, नया सेक्शन ऑनलाइन गेम्स के लिए, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैजुअल इनकम और ऑनलाइन विनिंग्स को अलग कर दिया। यही तीन पत्ती आप फिजिकली खेलें कैसीनो में जाके 115BB, और इसी को आप जंगली रमी पे खेल लें तो वो आ जाता है 115BBJ के अंदर में। तो ये एक नया सेक्शन है जो इस बार आप सबको ऐड किया गया है। फर्दर डिटेल ऑनलाइन में कौन से गेम आएंगे, किस किस तरीके के गेम आएंगे, क्या ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम ही गेम माने जाएंगे क्या, क्योंकि ऐसे कई वेबसाइट है जहां पे अदर गेम्स भी होते हैं जो स्पोर्ट्स नहीं है, तो उसकी भी विनिंग जो होती है
वो भी यहां आएगी क्या, ऐसे बहुत सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या शेयर ट्रेडिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है, उसको भी आप गेम कंसिडर कर सकते हो क्या? तो उसका एक पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, वहां डिस्कस करेंगे हम इसको IFOS में, ऑनलाइन गेम्स। अच्छा जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स 115BEE 60%। अब ये सिर्फ मूव किया है, पहले ये IFOS में पढ़ाया जाता था, अब सिर्फ इसको चैप्टर नंबर 1 में उठा के ला लिया, ये सिर्फ मूवमेंट है और कुछ नहीं। एंड लास्ट में आएगा आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसको हम लोग कहेंगे MMR 42.744%। ये भी मूव करके लाया गया है किसी दूसरे चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट के जो दो पॉइंट है ना, हमने इसको लिख लिया और यहीं छोड़ दो इसको, इस पे अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम। पहले के जो चार या पांच है इसको याद रख लो और अभी एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है 15%, लॉन्ग टर्म अंडर 112 20%, 112 वे बियॉन्ड रुपीज 1 लाख कितना 10%, यस कैजुअल इनकम इंक्लूडिंग ऑनलाइन विनिंग 30%, ठीक है। नीचे के दो याद ही नहीं मत रखो अभी, वो सही टाइम पे याद हो जाएंगे। अब मेरा एक सवाल है जो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर मान लो अगर मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ नॉट अंडर सेक्शन 111A, पहली बात ऐसा हो सकता क्या? हो सकता है, मैंने लैंड लिया 2 महीने के अंदर सेल कर दिया, अब वो शेयर्स तो है ही नहीं, तो वो 111A में तो आया ही नहीं। पर क्योंकि होल्डिंग पीरियड याद आ रहा है क्या, कैपिटल गेन में होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स था, तो जो नेचर ऑफ गेन हुआ वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, बराबर है। अब ये कौन से रेट पे जाएगा, बोलो बोलो बोलो, नॉर्मल स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट, लिख के रखो काम की चीज है। तो अगर प्रॉब्लम 111A मेंशन नहीं करता, आप इसे एक नॉर्मल इनकम मानेंगे जैसे PGBP और नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस पे, ठीक। यहां आओ लिखो एग्जांपल नंबर 2, यहां आओ लिखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कंसेप्ट कवर करेंगे, आप क्वेश्चन एयर भी देखोगे ना, ये देखो आप क्वेश्चन एयर भी देखोगे ना, मेरा एक छोटा सा हैबिट है, मैं क्या करता हूँ हर क्वेश्चन के ऊपर लिख देता हूँ ये काय पे बेस्ड है, ताकि हर बच्चे को क्लियर कट समझ में आए पढ़ते वक्त ये क्वेश्चन काय का है। अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो शायद उसने उसने नहीं जाना चाहिए, नहीं क्लियर है तो पढ़ना चाहिए। तो ये पूरे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, रेगुलर बुक में भी कवर्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2 बेस्ड ऑन नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम, बेस्ड ऑन नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम, एग्जाम्पल नंबर 2.1 सपोज करके चलिए, मेरा PGBP आ रहा है 6 लाख रुपीज, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 आ रहा है 2 लाख रुपीज, मेरा लॉटरी विनिंग आ रहा है 2 लाख रुपीज, और मेरा ऑनलाइन बेटिंग का विनिंग आ रहा है 2 लाख रुपीज, ठीक है। पहला हम सब साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, दूसरा आप कर लेना, ठीक चलेगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो फॉर्मेट है, अलग अलग जन अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं, आंसर वही आना है। एक फॉर्मेट है पूरा वर्टिकल फॉर्मेट, जो इंस्टीट्यूट स्पेस के लिए करता है, पूरा वर्टिकल, हर चीज वर्टिकल। और दूसरा है आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, दो पार्ट में, नॉर्मल इधर लिख दो, स्पेशल इधर लिख दो, आंसर अंत में वही आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब आप प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे तक देखोगे, यहां निकलेगी आपकी टोटल इनकम, बराबर है, कितनी हो गई बेटा 12 लाख। पहले मन में सोच लो, असेसी इंडिविजुअल है क्या, रेसिडेंट है क्या, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, रिबेट मिलेगा क्या, यानी ये चीजें पहले क्लियर कर लो। अब आओ
मेरे पास दो तरह की इनकम है, कौन कौन सी बेटा? नॉर्मल प्लस स्पेशल, ऐसी दो इनकम है मेरे पास। पहला फॉर्मेट मैं हॉरिजॉन्टल वाला यूज करता हूँ, यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉर्मल, इसको दूंगा नाम ए, यहां पे लिख रहा हूं स्पेशल, इसको नाम दूंगा बी। आपके घर पे जब स्पेशल लोग आते हैं, नाश्ता मंगाया जाता है, समोसा एक्सेट्रा, पहले उनको खिलाते तो कि तुम इच खा लेते, उनको खिलाते ना, ऑब्वियस सी बात है, जो बच गया तुम मतलब ऐसे वेट करते रहते, जाना भूख लग रही है जाना, या एक हाथ बार अंदर जाके टेस्ट कर रहा हूं मैं, बस टेस्ट कर रहा हूं। अब स्पेशल कौन कौन से दिख रहे हैं यहां पे, जल्दी जल्दी बोलो। पहला आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है 2 लाख इनटू परसेंटेज, याद नहीं आ रहा, परसेंटेज याद नहीं आ रहा, 20%, तो लो सर 2 लाख इनटू 20%, ये आ गया 40,000। यस सर, ये तो मुंह से भी निकलता है, आप कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो? मैं सीए स्टूडेंट हूं, मैं थ्योरी में भी कैलकुलेटर लेके जाता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? लॉटरी, 2 लाख इंटू कितना, 30%, इज इट 60,000 रुपीज? यस। तीसरा ऑनलाइन विनिंग अमेंडमेंट है मालिक, 2 लाख इंटू 30, अगेन 60,000। चलो इनका टोटल निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1,60,000, ये आपका टोटल ऑफ बी हो गया, ये आपका टोटल ऑफ बी हो गया, बराबर। अब आता है आपका ए, अगर मैं ए की बात करूं, मतलब अब सिर्फ यही इनकम बची 6 लाख रुपीस। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, अब तक के सर आपने बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट तो माइनस ही नहीं किया, अब तक मन में सवाल उठ जाना चाहिए था आपके, सर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट तो आपने माइनस ही नहीं किया। जनरल रूल, स्पेशल इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, जनरल रूल, स्पेशल इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, जनरल रूल, स्पेशल इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल, जनरल रूल, स्पेशल इनकम आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। बात समझ में आ रही है? तो हम हमेशा अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड ऑल नॉर्मल से करेंगे, क्योंकि एक जनरल रूल है, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। नॉर्मल बताइए आपकी टोटल इनकम कितनी, पकड़ू नॉर्मल की मालिक 6 लाख, ठीक है। अब यहां पे मैं टैक्स का कॉलम भी बना देता हूं, क्या मेरे बच्चे को पता है टैक्स कैसे निकालू, कुछ समझ नहीं आ रहा, शॉर्टकट यूज करूं? यस, अप टू रुपीज 5 लाख कितना टैक्स आएगा बेटा? 12,500 एवरीबॉडी। यस, बैलेंस कितना बच जाएगा बोल? इस पे टैक्स 20%, ये आ गया आपका 20,000, तो टोटल ऑफ ए कितना आ गया आपका? 32,500। अब नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी 1,92,500 रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सीधा एचईसी जोड़ो एट द रेट ऑफ 4%, राउंड ऑफ करने की जरूरत, टोटल टैक्स। अब मुझे एक बात बताओ, इसी फॉर्मेट को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट के बुक में दिया है स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि वो बुक ऐसे लंबी नहीं है, ऐसे लंबी है, तो उन्होंने क्या किया, इसी फॉर्मेट को उठा के लिख दिया, सबसे पहले ए नॉर्मल टैक्स, फिर लिख दिया बी स्पेशल टैक्स, और इधर लिख दिया टोटल टैक्स। आपको जो कंफर्टेबल है वो करो, आंसर अंत में सही आना चाहिए। बस इस फॉर्मेट को यूज करने में अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि आप क्लियर डिफरेंशिएट करते हो दोनों को और स्पेस कम यूज होता है, समझ में आ रही बात? तो ये फॉर्मेट भी चलेगा, वो भी चलेगा, कोई लिमिट नहीं है कि वो यही यूज करना है या वो, दोनों कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। पर ये तो मैंने सॉल्व किया, एक आप भी कर लोगे थोड़ा सा धरती पे, एग्जाम्पल नंबर 2.2 पीजीबीपी 3 लाख, डिविडेंट इनकम 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 4 लाख, ऑनलाइन बेटिंग 2 लाख,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 4 लाख टोटल इनकम, नाइनटीन लाख. चलो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ योर 4 मिनट स्टार्ट नाउ. पूरा फॉर्मेट के साथ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है आपसे आंसर की, पूरे फॉर्मेट के साथ टोटल पर्टिकुलर रुपीज एटसेट्रा एटसेट्रा सब डालो. सर प्लीज एक्सप्लेन अन एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसी के बाद का कंसेप्ट है. थोड़ा सा होल्ड करो, लिखो. कोई जल्दी नहीं है, फॉर्मेट अच्छे से बनाओ, जो गलतियां पहले की वो मत करो. IDT का भी होगा क्या? होगा सर, 10 फरवरी से अपलोड होगा. चलिए कुछ ऑनलाइन बच्चों का भी गया है, अपूर्व का आया है, नवंबर नाम से एक है उसका भी आया है. आई थिंक हो जाना चाहिए था.
मेरा नॉर्मल का टैक्स आ रहा है 92,500, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैंने सिर्फ फॉर्मेट बदल दिया, हाँ ये आया बेटा 60,000, ऑनलाइन बेटिंग का आएगा 60,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए 3 लाख × 10% 30,000। डू यू अग्री? तो 60,000 × 2 + 30,000 150,000 टोटल आ रहा है। ये देखो जो इंस्टीट्यूट फॉर्मेट यूज कर रही है वो यहाँ पे आ गया, बात सेम ही होने वाली है, कुछ भी कर लो 242,500 सीधा HEC ऐड कर लो एट द रेट ऑफ 4%। इज इट 9,700? यस, आपका फाइनल टैक्स आया 2,52,200 टोटल टैक्स। एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? यस, बहुत हार्ड, समझ में आया? पहले अमेंडमेंट के साथ आपने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, डन है। चलो हाँ जी, वापस आ जाओ यहाँ पे। अब तक के हमने क्या देखा, पलट के आओ बेटा, अब तक के हम लोगों ने क्या देखा, स्लैब रेट देखे तीनों के, चार नोट हम लोगों ने निकाली। पहला, जब भी टैक्स निकालो आपको HEC आएगा। दूसरा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तीसरा, राउंड ऑफ का कंसेप्ट। चौथा, सर्कुलर का कंसेप्ट। पांचवा, स्पेशल रेट का कंसेप्ट, ठीक है। अब जब तक के ना कहूं लिखना मत, सिर्फ समझना एक इशू को, जिससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर हुआ, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मेरा PGBP लेट से 2 लाख रुपीज है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लेट से 2 लाख रुपीज है। अब अगर मैं आपको टैक्स निकालने बोलूं तो जितना अब तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे आप क्या करोगे? आप बोलोगे लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% लगा दो और इसके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? जितना अब तक हमने पढ़ा उस बेसिस पे तो आप सेम ही बात करोगे कि लॉन्ग टर्म पे 20% लगाओ और नॉर्मल इनकम पे तो टैक्स है ही नहीं, तो विषय खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड करना क्या होता है। एज अ टैक्स पेयर हम एक बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, एज अ टैक्स पेयर हम क्या बोलेंगे कि सर, सरकार ने मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना दिया है, 2,50,000, क्या वो एग्जॉस्ट हुआ है? ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा होता नहीं है, पर ये एक एक्सेप्शनल केस है। माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज नॉट बीन एग्जॉस्टेड। इफ माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज नॉट बीन एक्साइसेड, आई हैव ऑल द राइट्स एंड हैव स्पेशल इनकम। मैं स्पेशल इनकम को पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में यूज कर लेता हूं और जो बैलेंस बच गया आप इस पर मेरे से स्पेशल रेट ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे को आप मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दो, वो हक है मेरा, राइट? मेरे को आप पहले मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे दो, उसके बाद जो बैलेंस इनकम बचता है आप उस पर स्पेशल रेट ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टैक्स पेयर होते आप भी यही बात करते ना? यस, आप टैक्स पेयर होते आप ये भी बात करते। तुम्हारा बस चलता तो तुम ये भी बोलते थे, सर मान लो आपने पूरा ग्रुप पास नहीं किया, ठीक है, पर मान लो अगर चारों सब्जेक्ट में 30-30-30-30 भी आ रहे तो दो सब्जेक्ट में आप एडजस्ट कर लो, मार्क 60-60 कर लो, बच्चे भी दो देने को मैं तैयार हूं, बस चलता तो हम ये कर लेते ना, यस और नो? हमारा तो 2-व्हीलर ही नहीं चल रहा, बस की क्या है, अब समझो। पर एज अ टैक्स पेयर तुम ये कर पाओगे, एज अ टैक्स पेयर तुम ये कर पाओगे। टैक्स पेयर सिचुएशन में एक कंसेप्ट आता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये मेंशन है 112 के अंदर में, 112A के अंदर में, 111A के अंदर में, तीनों सेक्शन में मेंशन है कि अगर SSC कभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया एंड हैज गॉट स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सच स्पेशल इनकम विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट, समझ में आई बात? तो जैसे कि आप यहां नोट्स में पढ़ोगे, जरा देखना सब लिखा हुआ है, मैं अंत में आके आपको बताने ही वाला था। पहला, इफ SSC इज रेसिडेंट, ये करने का हक सिर्फ रेसिडेंट SSC को है, नॉन रेसिडेंट SSC को नहीं है। इफ SSC इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी टाइप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एनी टाइप, नॉट कैजुअल इनकम, ओए होए 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 होए, लॉटरी इनकम या ऑनलाइन बेटिंग से आप ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट मेंशन ही तीन सेक्शन के अंदर में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वाले, कैपिटल गेन सॉरी कैजुअल इनकम में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए वो एडजस्टमेंट भी पॉसिबल नहीं है।
and basic exemption limit is not exhausted, then special income shall be first adjusted to cover a basic exemption limit and balance if any will be chargeable at special rate. So, ये बहुत unique adjustment है जो tax calculation में आता है. चलो लिख भी लें और समझ भी लें. पीछे जाओ वापस. Sixth point. स्पेशल एडजस्टमेंट्स यूजिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इफ असेसी इज रेसिडेंट. इफ असेसी इज resident has not exhausted basic exemption limit and has special income, such special income long term capital gain / short term capital gain only shall be first adjusted towards basic exemption limit and balance income taxable at special rate. सर डिविडेंड नॉर्मल इनकम में लिया है वो समझा दो बेटा. डिविडेंड के ऊपर हमने स्पेशल रेट पढ़ा ही नहीं. जो स्पेशल रेट के अंदर में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वो सब नॉर्मल स्लैब रेट के अंदर में आएगी. पॉइंट नंबर वन. सर ऑनलाइन गेम वाली एडजस्टमेंट होगी क्या? जब क्लियर लिखा है यहाँ ओनली मतलब वो होने वाली नहीं है. कैजुअल इनकम ये वो बाकी कुछ एडजस्ट नहीं होगी. सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. यस चलो इसके ऊपर समझते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री. इसके ऊपर समझते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री. बढ़ते जाओ रुकने कोई काम नहीं. एग्जाम्पल नंबर थ्री. एन एग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3.1 PGBP 1 lakh long term capital gain under 112 2 lakh short term capital gain under section 111A 2 lakh lottery 2 lakh online game 2 lakh नाइन लैख टोटल. पहले डिस्कस कर ले फिर सॉल्व करते बैठेंगे. पहले डिस्कस कर ले समझ लो आप लोग बताओ. क्या लग रहा है क्या होना चाहिए बताइए. ये प्रॉब्लम क्या है सिचुएशन में आ रहा है क्या पहले ये बताओ. हाँ या ना आ रहा है. कुछ नहीं लिखा है इंडिविजुअल है कुछ नहीं लिखा है रेसिडेंट है बिलो 60 है ठीक है. अब अगर हम देखें हमारी जो नॉर्मल इनकम है विच इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल विच इज नॉट टैक्सेबल एट स्पेशल रेट. अगर वो देखोगे वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं कर पा रही है और बाकी जितनी इनकम है वो सब स्पेशल है. अब इन सारी स्पेशल में से क्या मैं ऑनलाइन बेटिंग या लॉटरी एडजस्ट कर पाऊंगा?
नहीं, तो ये दो तो पिक्चर से बाहर हो जाएगी, ये पहले एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है? टैक्स इस पे जरूर निकलेगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। अब मैं आपसे टैक्स प्लानिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पहले क्या एडजस्ट करें, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? हाउ मेनी पीपल शॉर्ट टर्म? पहले शॉर्ट टर्म एडजस्ट करना चाहिए, वेरी गुड। देयर आर कपल ऑफ पीपल हु से शॉर्ट टर्म, बाकी सब बोलेंगे लॉन्ग टर्म, बराबर है ना? लॉन्ग टर्म वाले बाकी सब हो गए, राइट? अच्छा, लॉन्ग टर्म वालों प्लीज इनको एक्सप्लेन करो शॉर्ट टर्म क्यों नहीं। आप पहले क्या एडजस्ट करना चाहोगे? हायर टैक्स रेट, दैट्स अ वेरी कॉमन सेंस। आप पहले शॉर्ट, अच्छा लॉ में ऐसा कहीं लिखा नहीं है पहले लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर या शॉर्ट टर्म एडजस्ट कर, बट बाय डिफॉल्ट ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी जिससे कम होगी लीगली आप वो करना चाहोगे। अब लीगली अगर मैं लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करूं तो एसएससी का ओवरऑल टैक्स रेट कम आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112% पे टैक्स होगा, जबकि शॉर्ट टर्म 15% पे टैक्स होगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म पहले एडजस्ट कर सकता हूं, देख गिवन एन ऑप्शन, मैं पहले लॉटरी से एडजस्ट करता था, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट में एडजस्टमेंट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फक्त आने फक्त किधर है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो उसमें से भी वो लो ना जो पहले हायर टैक्स रेट पे आता है, इससे एसएससी का ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू फ्रॉम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कभी बोलेगी नहीं कि तुमको क्या करना है, तुमको क्योंकि वहां पे तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा होता है एडवांस नॉलेज चाहिए तुमको, क्या चाहिए, एडवांस नॉलेज। तो ये नॉलेज को हम एडवांस कहेंगे, समझ में आई बात, जहां पे तुम खुद होके ये चीज समझो कि व्हाट इज मोर लॉजिकल फॉर अ टैक्स पेयर। चलो आओ बेटा, राइट, अब इसको निकालोगे कैसे, कंसेप्ट तो तुमको समझ गया, निकालोगे कैसे, आओ इधर सबसे पहले नॉर्मल लिखते हैं। पीजीबीपी कितना, 1 लाख, पीजीबीपी कितना, 1 लाख। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना एडजस्ट करोगे, 1.5 लाख, टोटल 2.5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, आपका बैलेंस बच जाता है नील, आपका टैक्स हो जाता है नील, बराबर ना, करेक्ट है ना। अब आ जाता है आपका स्पेशल, पहला ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल कितना था, 2 लाख, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन में कितना दे दिया, 1.5, फिर भी कितना बचा, 50,000, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 50,000 इंटू 20% इज इट 10,000, मेक सेंस? लॉ को फिर से पढ़ो, इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम कैन नॉट एग्जॉस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूज्ड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। सबको समझ में आया पूरा सेंटेंस वापस से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है बेटा, 2 लाख इंटू 15% कितना हो गया बेटा, 30,000। तीसरा, कैजुअल इनकम 2 लाख इंटू 30% कितना हो गया बेटा, 60,000। ऑनलाइन को लिखना अलग से पड़ेगा, भले ही टैक्स रेट सेम है, लिखना अलग से पड़ेगा, सेपरेट सेक्शन है। चलो टोटल बोलो कितना हुआ, 1,60,000। यहां पे हम टोटल टैक्स निकाल देंगे, ए प्लस बी, ये आ गया 1,60,000। इसके ऊपर सीधा एचईसी मारू, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई झगड़ा, $166,400। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया क्या किया, जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं सबको समझ में आया क्या किया हमने? सर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1 लाख रुपए एग्जम्पशन माइनस नहीं किए, बेटा 112 ए किधर लिखा है, 112 लिखा है, उसमें से 1 लाख किधर माइनस कर रहे हो, देखो तो सरी। नहीं तो आप बोलोगे कि सर 1 लाख रुपए माइनस क्यों नहीं किए, और आप अचानक से अटक जाओगे जब तक मैं जा रहा हूं। 112 ए लिखा हो तो माइनस होता है,
समझ में आया? 112 में कोई 1 लाख तक का बेनिफिट नहीं है। आहो, पर ये तो मैंने सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करेंगे कुछ? तो सर तो मजा आ रहा है, मतलब पहले चैप्टर में ऐसे ही होता है, पहले चैप्टर में बहुत मजा आता है। आन दो पीजीबीपी तक के ये मजा कंटिन्यू रख के दिखाओ। चलो स्टार्ट। चलो स्पीड 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 लाओ थोड़ी सी। कुछ लोगों को अब तक के समझ में आ गया होगा मैंने क्या कांड किया इस प्रॉब्लम में। उनके बिल्कुल बेसिक्स टेस्ट हो जाएंगे 2 ही मिनट में आज पढ़े हुए, और कुछ लोग आके बस एक ही जगह अटकने का पॉइंट है यहां पे, और कहीं नहीं है। आप इस पूरे गेम में एक ही जगह अटक सकते हो, कहीं और नहीं अटक सकते, और वो जगह है रिबेट। क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? पूरा भारत जल्दी से जवाब दो। और भाई साहब देख रहा हूं मैं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तुमने क्यों ऐसा कर रहे हो जीवन में? वीडियो को लाइक करो जल्दी से, चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ऐसा ही सब बोलते हैं ना। हाँ जी सर, करूँ क्या सॉल्व मैं फटाफट? नॉर्मल पीजीबीपी पर्टिक्यूलर रुपी ब्रैकेट में टैक्स, पीजीबीपी 1 लाख रुपए, पहले लॉन्ग टर्म पूरा खपा दो 1 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म 50,000 तक के एडजस्ट हो जाएगा एवरीबॉडी। टोटल हो गया 2,50,000, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 का माइनस करेंगे, यहाँ आपका आपका टैक्स क्या आ जाएगा? नील, बराबर ना? फिर यहाँ आएगा आपका स्पेशल, पहले सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 × 15%, 7,500। फिर आएगा आपका लॉटरी 1,00,000 × 30%, दैट्स 30,000। फिर आएगा आपका ऑनलाइन गेम्स 50,000 × 30%, 15,000। टोटल कितना रहा है? 30
52,500 अब कुछ लोग कहेंगे टैक्स एज नील, क्या वो सही होंगे? समझ में आया? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सिर्फ ऊपर से देख के कह दिया था 5 लाख से कम है तो नील। समझ में आया? तो जो टैक्स नील कहेंगे वो भी सही नहीं होंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500। बैलेंस कितना बचेगा बोल बेटा? 40,000। अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। एट द रेट ऑफ 4% 1,600 फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कम टू 41,600। समझ में आया गड़बड़ कहां करा बच्चा? वो सर फास्ट ट्रैक का पहला लेक्चर कहाँ अपलोडेड मिल नहीं रहा बेटा? विजय सारडा चैनल पे जा, प्लेलिस्ट में जा, दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है CACMA इंटर की, उसमें है। बाकी सबको मिल गया बच्चा? मजा आया प्रॉब्लम के अंदर में, टेस्टिंग योर होल बेसिक्स। आपको चेक एक्चुअली 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कम सॉल्व करो लेकिन वो हर कंटेंट पे भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ना तो आपका काम हो जाएगा। आज आपका टारगेट क्या है? ये प्रॉब्लम मैंने जितने सॉल्व यहाँ पे कराए हैं, चुपचाप जाना, रफ रजिस्टर उठाना, वापस से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। यू जस्ट मेक श्योर कि यही प्रॉब्लम आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओ वापस से। अब कंसेप्ट तो पूरा का पूरा क्लियर है। जाना आज तुमको यही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन बैंक उठाना, क्वेश्चन बैंक से जितने जमे उतने दनादन दनादन सॉल्व करते जाना, मेरे लिए रुकना ही मत। यस क्लास में मैं जो एक्स्ट्रा करवा लूंगा वो करवा लूंगा, रुकना ही मत। तीसरा मॉड्यूल खोलना, दनादन सॉल्व करते जाना जितने जम जाए उतने, और जिस कंसेप्ट पे तुमने पढ़े। आज ऐसा मत करना कि तुमने गए और तुमने सीधे मार्जिनल रिलीफ के प्रॉब्लम उठा लिए, ठीक है ना? तो इधर से डायरेक्ट इधर आ जाओगे। जितना कंटेंट आता है बस उसके ऊपर काम करो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया मालिक? सभी लोग ऑनलाइन वालों बोलो भाई जल्दी है कि नहीं है? यस सर, आपने रिबेट कैसे दे दिया सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। हाय हाय मेरे प्यारे बच्चे, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, रिबेट 100। तुम पहले ना, जिन जिन लोगों को ये डाउट है पहले 15 मिनट बैठना ध्यान लगा के, 112 112A 112 112A ये फोकस करो तुम, तुम्हारी गड़बड़ कभी हो ही नहीं सकती। यस चलो जी बढ़ू मैं आगे। हाँ जी स्पेशल एडजस्टमेंट भी हम सबकी खत्म हुई, और जितना अब तक पढ़ा सब कुछ आ गया प्रॉब्लम्स के अंदर में। बढ़ते हैं आगे, आओ आओ बढ़ते हैं आगे, थके तो नहीं हो ना? ऑप्शन भी नहीं है सरचार्ज। सेवेंथ कॉन्सेप्ट सरचार्ज, आप देखेंगे आपके जो पेजेस प्रॉपर छूटे थे उतने पूरे प्रॉपर सही तरीके से यूज होंगे, ठीक है? सारी चीज कैलकुलेटेड है। सरचार्ज के बाद आपका वो पेज कम खत्म हो जाएगा और वो पेज भी खत्म हो जाएगा, कंटेंट भी खत्म हो जाएगा। आप देखो एक ही दिन में हम सरचार्ज तक के पहुंच गए। लगभग लगभग ओल्ड स्कीम का टैक्स रेट खत्म होने आएगा एक्सेप्ट फॉर कंपनीज एंड फर्म, तो हम बहुत अच्छे पेज पे हैं। इतना ही पेज ठीक, मैं आप सभी को आज एक और बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। आज शाम 6:15 से 7 बजे तक के अभिषेक सर ना, आपका जैसे आपका ऑडिट का फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा वैसे ही शाम में आपको अकाउंट्स कॉस्टिंग और एफएम को प्रिपेयर कैसे करना है मैंने सर से रिक्वेस्ट करी, और सर एक स्पेशल सेशन ले रहे हैं, ठीक है? अगर तुम बैठना चाहो तो प्लीज बैठो, और मैं तो कहूंगा प्लीज बैठो, क्योंकि देख अब मैं तेरे को बता रहा हूँ क्या होगा। और मंडे से आपके लिए एक बहुत सही प्लान हमने बनाया है एकत्व में, मैं वो भी 2 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ। मंडे से पूरे भारत का बच्चा प्लीज ध्यान से सुनना, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक के, ये कहाँ से है? मंडे से 8 से 11 बजे तक के कॉस्टिंग का फ्री फास्ट ट्रैक शुरू हो रहा है। इसके द्वारा एडी सेट द्वारा 8 से 11 लगभग लगभग, क्योंकि 3 घंटे का है, आवर्स ज्यादा है, ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं 30 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 30 या मोस्ट प्रोबेबली 1 तक के आपका पूरा कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं लगभग 11 या 11:15 से आपका क्या चालू है? लॉ।
मैं जितने बच्चे यहाँ पे अभी लॉ अटेंड नहीं कर रहे कि भैया मेरे से जम जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, एक सवाल पूछता हूँ, 3 दिन के अंदर में कितना पढ़ा लो? एक बात समझो, हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं है, डाउट तुम्हारे डिसिप्लिन पे है, तुम घर बैठ के कितना कर रहे हो, इतना ही तुम जितना आज अपन ने DT में पढ़ा, तुम जेन्युइनली बैठ के घर पे कर लेते क्या? ऐसा नहीं है तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो डिसिप्लिन के साथ जो यहां बैठे हो और बाजू वाले की भी फटी और तुम्हारी भी फटी है देख के बैठे हो, समझ आ रहा है क्या? ये बात अलग है, आज भी तुम्हारा हाथ फोन पे जा रहा है, 2 मिनट देख रहे हो वापस आ जा रहा है, नहीं कुछ तो चल रहा है, रुक, समझ में आ रहा है? जो डिसिप्लिन के साथ होगा, 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के तुम्हारा क्या चालू है बेटा? लॉ, पूरे भारत के लिए सुनो, ये एकत्वम अकेडमी के चैनल पे चालू है, ADZ के भी चैनल पे चालू है, ये DK के चैनल पे चालू है, दैट इज दर्शन खरे के चैनल पे चालू है, 1 घंटे का यहाँ पे खाने का ब्रेक है, 2:30 से लेके 4:30 तक के मैं आपको क्या ले रहा हूँ? DT, ये मेरे चैनल पे भी चालू है, फिर आपको हाँ 4:30 से लेकर के 6 और 6:30 एज द केस में भी जो भी टाइम है, यहाँ पे आपको क्या चालू है? ऑडिट चालू है, ये RJ के साथ चालू है, मतलब आप अगर देखोगे जेन्युइनली 1 महीने के अंदर में आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, जैसे ही कॉस्टिंग का खत्म होगा, 10 फरवरी से आपका चालू होने वाला है GST, और 12 फरवरी, लगभग 12 फरवरी इज द राइट डेट, जहां पे आपका अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक चालू होने वाला है, और उसी टाइम पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी फास्ट ट्रैक रहेगा, मतलब पूरे भारत के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो फास्ट ट्रैक है ये फ्री है। ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि छोड़ दोगे, तुम बोलोगे सुबह 8 बजे मैं उठ के सो जाऊंगा, जब हो रहा है ना तो चुपचाप कर लेने का, ये मेरा क्लियर सजेशन है। देख अपन बैठे 3 घंटा कॉस्टिंग को लेके बैठ के हो सकता क्या? नहीं, जिस तरह का प्यारा सब्जेक्ट वो है, समझ आ रहा है ना, जिस तरीका का प्यारा सब्जेक्ट वो है, अब तक तुम मटेरियल के आगे सेल्फ स्टडी में कभी नहीं पहुंचे, बहुत हो गया लेबर, समझ आ रहा है? फिर लेबर में जब ओवरहेड चालू होता तो सब्जेक्ट ही ओवरहेड हो जाता, मानते हो कि नहीं? चुपचाप प्रैक्टिस हो रही है, चीजें हो रही है तो कर लेना, आगे आपकी मर्जी और अटेम्प्ट आपका, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा सजेशन तुमको एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर यही रहेगा कि हमने आपका टाइम ही इस तरीके से सेट करके दिया कि सुबह से शाम तक का टाइम है। सर फिर सेल्फ स्टडी कब करें? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के मूड में होंगे ना अभी लगने के बाद? उठो ना सुबह 6 बजे, सर ठंडी रहती, चद्दर के अंदर से निकलना मुश्किल है, समझ सकता हूँ मैं भी, समझ सकता हूँ मैं भी, ये सुनो, पर वो चद्दर खुद के दम पे खरीदने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि वो चद्दर भी जीवन भर बप्पू से ही मांगना है ना, खुद के लिए तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सुबेरे, अगर मैं आपको स्टडी शेड्यूल अभी लगा करके दूं, प्लीज ध्यान दे देना, मेरे हिसाब से आपने 6 या 6:30 को उठ के पढ़ाई के लिए रेडी हो जाना चाहिए। यस, सबसे पहले आप जानबूझ करके ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि सुबह सुबह थ्योरी पढ़ा तो 15 मिनट में वापस नींद आएगी, फैक्ट है। आप 1.5 घंटा ना हाल फिलहाल में, मान लो आप अगर दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, सुबह 6 से लेकर के 7:30 तक मैं आपसे कहूंगा या तो FM उठाओ या तो अकाउंट्स उठाओ, उसको भी MWF और TTS में उठाओ, ताकि दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलते रहे। 7:30 बजे बाकायदा नाश्ता करने का, 8 बजे प्रेस्टीज पे पहुंचने का, पहले कॉस्टिंग कर लेने का, ठीक है, उसके बाद में एंड तक के आपका ये पॉइंट खत्म होता। 6:30 के बाद 8 बजे तक कुछ नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लेते दिन भर में, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जेन्युइन ब्रेक लेना है। मैं कहूंगा 8:30 तक के भी लो तो कोई तकलीफ नहीं है, 8:30 छोड़, 9 बजे तक के भी ले कोई तकलीफ नहीं है, यस, बट मोस्ट सेंसिबली ना फरवरी तक के ना ब्रेक मत लेने का सोचो, क्योंकि जितना तुम्हारे पैशन में ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और अभी अंगार लगी हुई है रिजल्ट को देख के, और मैं तो कहता हूं जहां पढ़ रहे हो ना वहां और कुछ मत रखना, फेल का रिजल्ट चिपका के रखो। दुनिया का सबसे खतरनाक मोटिवेशन है वो, मैं बता रहा हूं तुमको, तुमने मेरे को 10 बार सुन लिया कोई काम का नहीं है, रोज उस रिजल्ट को देखने का फेल, अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा के रखने का फेल, ऊपर नाम दिखेगा नीचे फेल दिखेगा, सर डिमोटिवेट होंगे, करके देखो मोटिवेशन मिलता कि नहीं, समझ में आएगा साला फेल किया तो किया कैसे। उसके बाद मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ आप लोग कहीं होंगे कुछ होंगे, 9 बजे से लेके ईमानदारी से 11 बजे तक के, या फॉर दैट मैटर 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक के आपको क्या करना है सर? प्रैक्टिस। अभी किस चीज का प्रैक्टिस करना है? सुबह से लेके शाम तक के फास्ट ट्रैक में जितना हो रहा है सब एक बार बस ऊपर से रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ावा तो है फ्रेश तो है ही, बस ऊपर से एक बार रिवाइज करना है।
9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक के दिन में जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उसका क्या करना है, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, कंटेंट पढ़ने का पार्ट नहीं, क्योंकि कंटेंट तो तुमने यही पढ़ लिया, तो सिर्फ प्रैक्टिस। देयर इज ओनली वन थिंग जो तुमको पास करा सकती है, दैट इज प्रैक्टिस। 11:30 तक के तुम वैसे ही हो, समझ में आया। इसको 12 तक के भी एक्सटेंड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 के बाद चुपचाप पढ़ाई छोड़ देना। इसके बाद अगर तुम पढ़ रहे हो तो टेक्निकली तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो मैगी या चाय पीने के लिए। मेक श्योर जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है। 12 बजे के बाद रील्स देखो, काली काली दो अखियां देखो, शो करना है तुम करो, समझ में आ रहा है क्या। 12 बजे के बाद का टाइम जेन्युइनली आधी एक घंटा तुम्हारा पर्सनल टाइम है सो जाने का, 1 से लेकर 6 बजे तक के सोते रहने का। लॉजिकली 6 घंटे से ऊपर की नींद की तुमको जरूरत है नहीं, पर हमारे को तो सर 24 घंटे आती, बराबर है, समझ में आया क्या। आती है, चाहती नहीं, पर इस चक्कर में रिजल्ट चले जाएगा बेटा, ये मत कर, समझ बात को। और अभी आग लगी हुई है तेरे से, हो जाएगा, मेरा बात समझ, ये फ्लो में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तू बोलेगा मैं घर पे बैठ के पढ़ लूंगा, कितना पढ़ लिया, 1 हफ्ता और रुक जा, कितना पढ़ लेगा तेरे को खुद को भी समझ में आ जाएगा, सेल्फ में कर लूंगा, हो जा गया। मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है, मैं ये बोल रहा हूँ जब ऑप्शन सीधे सीधे अवेलेबल हो ना तो उसको बेवकूफ़ी में ठुकरा हूँ मत। 1 हफ्ते बाद समझ में आएगा, 1 हफ्ते पढ़ लेता तो एटलीस्ट कुछ तो रिकवर हो जाता है ना। हमारे में मारवाड़ी में कहा जाता है काना ना मामा से काना मामा चौका, मतलब मामा नहीं होने से काना रहे मामा, एटलीस्ट कुछ तो रहे, है ना। शादी के टाइम पे दे के जाएगा, लेके तो नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। है ना, मामा आते ना शादी में देने के लिए, तो ना मामा से काना मामा चौका, कुछ तो दे के जाएगा। इज दैट डन, चलो आ जाओ वापस से। एक सेंसिबल प्लान है, पॉसिबल है तो ट्राई कीजिएगा, राइट। पर आज शाम में कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए है, और मंडे से आपका क्या चालू हो रहा है, कॉस्टिंग एंड ऑल का फास्ट ट्रैक शुरू हो रहा है। अच्छा, कल अपना क्लास है क्या? नहीं, कल तुम्हारा टाइम है जिसमें तुमको प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी। एक बार टैक्स कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जानबूझ करके इस चीज को ब्रेक लगा रहा हूं संडे के दिन, ताकि आप जितना आज पढ़ाओ एटलीस्ट ओल्ड सिलेबस का पूरा तुम आज और कल में ही खत्म करो, ताकि 115 बीएससी को हम लोग मंडे से वापस से अडॉप्ट कर सके। समझ में आ रही है बात सभी को? चलो सरचार्ज पे आ जाओ वापस से। अब ये सरचार्ज क्या है सर? एडिशनल टैक्स इफ द इनकम एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, आपको सरचार्ज आता है। कई बच्चे बोल रहे हैं सर सरचार्ज में चेंज आया है, 25% मैक्सिमम सरचार्ज हो गया। सही है, 115 बीएससी में यू नो स्लैब रेट के सरचार्ज अलग हो गए और 115 बीएससी के सरचार्ज अलग हो गए। ध्यान से सुनिएगा, अप टू 50 लाख देर इज नो सरचार्ज। क्या बोला बेटा मैंने? अप टू 50 लाख। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मेरे साथ बनाई है, एक है पर्टिकुलर्स का, दूसरा है कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम का, दूसरा आपकी अदर इनकम का। ठीक है, ध्यान से सुनना, अप टू 50 लाख आपकी टोटल इनकम जो है, अप टू 50 लाख है, आपको कोई सरचार्ज देने का काम नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, कोई सरचार्ज देने का काम नहीं है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 50 लाख अप टू 1 करोड़। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 50 लाख से ऊपर है, अप टू 1 करोड़ रुपीस है, तो आपका सरचार्ज रेट रहेगा बेटा 10% ऑन एनी टाइप ऑफ इनकम। तो लेट्स से ओरली बता दीजिए, पीजीबीपी 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख, टोटल कितना हुआ 60 लाख, दोनों इनकम पे सरचार्ज कितना 10%। समझ में आया? टैक्स निकालना, दोनों पे 10% निकालना, विषय ओवर। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, 15% कोई चेंज नहीं आया यहां पे।
अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 1 करोड़ से ऊपर है पर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, द सरचार्ज रेट इज 15%, बराबर है। यहां से डिवीजन होना चालू होता है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट नॉट एक्सीड्स 5 करोड़। अब देखिए लॉ कहता है द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, लॉ कहता है द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम कैन नॉट एक्सीड 15%। तो अगर आपकी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग दिस टू इनकम, अदर इनकम 2 करोड़ रुपीस के ऊपर है तो वहां पे आएगा 25%, पर कैपिटल गेन एंड डिविडेंड पे मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना रहेगा 15%। नेक्स्ट, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 5 करोड़, ये तो 15 पे ही रहेगा, ये कितना है बेटा 37%। इज दैट डन? चलिए इसके नीचे ना स्पेस बना के रखना, एक लास्ट पॉइंट यहां आना बाकी है, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट यहां आएगा जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सीधा इस पे क्वेश्चन लेता हूं, कितने नंबर का ये एग्जांपल होगा, एग्जांपल नंबर 4। मैं सीधा इस पे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। पीजीबीपी 80 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 50 लाख टोटल। चलो असेसी कौन है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, सरचार्ज रेट क्या होगा, एनी टाइप ऑफ इनकम, डिफरेंस ही कहां आता है जब अदर इनकम एक्सीड 2 करोड़, ठीक है, तो 15% का सरचार्ज लगेगा। पहले टैक्स तो निकाले फिर सरचार्ज के ऊपर देखेंगे क्या करना है हमको, है ना। तो चलो यहां पे आ जाते हैं स्पेशल को लेकर के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख इंटू 20% इज इट 12 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का दिया है, ₹49 लाख पे लूंगा, किसी को तकलीफ है, ₹1690, ओके। बराबर ब्रो, जो कुछ बचा किधर डालेंगे, नॉर्मल पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, टोटल इनकम कितनी 80 लाख अप टू 10 लाख। अब देखिए एक और बड़ा शॉर्टकट यूज करना सिखाता हूं, 10 लाख तक का शॉर्टकट कितना आया था, पलट के देखो 1,12,500, बराबर। पहले 5 लाख तक का टैक्स कितना होगा इसमें,
12,500, बैलेंस कितने बचे? 5 लाख, टेक ऑन अ कैलकुलेटर, बैलेंस कितने बचे? 5 लाख, 5 लाख इंटू 20% कितना आया? 1 लाख, प्लस पहले के 12,500, तो 10 लाख तक का टैक्स कितना आया? 1,12,500। समझ में आया शॉर्टकट कैसे बना? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 10 लाख तक का टैक्स निकाल दूं, 1,12,500, बैलेंस 70 लाख, इस पे टैक्स रेट 30%, ₹22,12,500। नाउ अंडरस्टैंड करिएगा, दोनों पे क्योंकि सरचार्ज रेट क्या है? सेम, तो पहले टोटल टैक्स निकाल देते, फिर टोटल सरचार्ज मार देंगे। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें? टोटल टैक्स बना आपका 39,02,500, इसमें क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। आपका टोटल टैक्स आया 46,67,390। एवरीबॉडी समझ में आया यूज कैसे करना है? ठीक, किसी का बाकी है? नहीं, वापस सरचार्ज पे आओ, यहां आके लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, यहां आके लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, पीजीबीपी 3 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 51 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 40 लाख, टोटल थ्री करोड़, 3.91 करोड़। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, एक बार प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करो थोड़ा सा प्रॉब्लम को। अगर आप देखेंगे मेरी टोटल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही, मैं कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम को हटा भी दूं, मेरी अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर है। डू यू अग्री? अब इस सरचार्ज वाले लॉ को फिर से मेरे साथ पढ़िए, पेज मत पलटिए, समझिए। अगर मेरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, क्या बोला? एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, बट 5 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो जो मेरी अदर इनकम है इसके ऊपर कितना लगना चाहिए? 25%। जबकि मेरे कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे कितना लगना चाहिए? 15%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ अगेन लुक एट द प्रॉब्लम। जब मैं प्रॉब्लम को फिर से देख रहा हूं तो मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है। हेलो, मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सक्लूड करके अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, तो लॉजिकली इस पे सरचार्ज कितना लगना चाहिए? 25%। जबकि इन पे सरचार्ज कितना लगना चाहिए? समझ में आया? पहले ये एनालाइज करो, ये समझ में आया? क्लियर है? तो अब क्या करना है हमको? टैक्स निकालना है, बाद में देखेंगे सरचार्ज का क्या करना है, बाद में देखेंगे सरचार्ज। अब सुनो, तुम फॉर्मेट बनाने जाओगे, कहीं गलती ना कर दो तो एक और फॉर्मेट है इसी चीज के लिए, बात समझना, सेम ही चीज है, तुम कैसे भी करो, मैं बस एक नया तरीका बता रहा हूं। यहां पे आप लिख दो
पर्टिकुलर्स, यहां पे आप लिख दो इनकम, इसके ऊपर लिख दो टैक्स, इसके ऊपर लिख दो सरचार्ज, इसके ऊपर लिख दो टोटल, टोटल के बाजू एचईसी और एचईसी के बाजू फिर से टोटल। आप ऐसा करना चाहो ऐसा, पुराने से जाना चाहो पुराना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये सिर्फ आपको बस थोड़ा सा ईज करके दे देगा। पीजीबीपी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 40 लाख, 51 लाख, 3 करोड़, बराबर। सीधा टैक्स निकालो, हम हमारा टाइम बचा रहे और कुछ नहीं, आप ये कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लास्ट कॉलम में मैं 6 लाख लिख रहा हूं, आपको बुरा ना लगे तो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे। अब मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप समझेंगे क्यों हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आगे मैंने 50 लाख लिखे, किसी को तकलीफ? पीजीबीपी 3 करोड़ था, 3 के आगे 7 जीरो, जिनको कैलकुलेटर यूज करने में तकलीफ है। इसमें से 10 लाख तक का टैक्स हम सबको पता है, कैलकुलेटर पे निकालना सीखो। एक बार प्लीज 2 मिनट सेकंड रुको, सब लोग मेरे साथ आओ, कैलकुलेटर पे 3 करोड़ लो, 3 के आगे 7 जीरो, बराबर। इसमें से 10 लाख माइनस करो, क्यों 10 लाख माइनस कर रहे? यहां तक का टैक्स मेरे को पता है, जितना बच गया वो पूरा का पूरा 30% पे जाएगा, इंटू 30% प्लस 10 लाख तक का टैक्स कितना था, 1,12,500। क्या आपके भी कैलकुलेटर पे 8812500 दिख रहा है? यस। कैसे निकाला फिर एक बार? 3 करोड़ में से मेरे दिमाग में 10 लाख तक का टैक्स फिक्स है, 10 लाख हटा दो क्योंकि मेरे को यहां तक का टैक्स फिक्स पता है, बराबर। बैलेंस पे 30% एड 10 लाख तक का टैक्स कितना था, 1,12,500। तो मेरा टोटल टैक्स ऑन कैलकुलेटर एक झटके में निकला 88,12,500। एवरीबॉडी यस, पक्की बात? चलिए, यहां सरचार्ज रेट 25 लगेगा, यहां 15 लगेगा, यहां 15 लगेगा। एवरीबॉडी चलो यहां आया बेटा 90,000, यहां आया 75,000, सीधा इधर टोटल लाना चाहो तो वो भी चलेगा। क्या यहां पे आपका टोटल आ रहा है? वन करोड़ 22,80,625 और सीधा इस पे 4% ले लो, आपका फाइनल टैक्स आना चाहिए 1,27,71,850। हां यहां, एवरीबॉडी इफ यू यूज हाइलाइटर यू शुड हाईलाइट दिस। बच्ची कह रही है सर आपने 50
5 लाख टैक्स कैसे निकाला, ये 51 लाख होना चाहिए, इधर भी हाईलाइट करना आप लोगों ने। यस एवरीबडी, फाइनल आंसर 127, 71, 850। सॉर्टेड है ब्रो, सॉर्टेड है। अच्छा बताइए, ये 3 करोड़ के जगह पीजीबीपी में, इसी प्रॉब्लम में, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करे बगैर सिर्फ कंसेप्ट लगाना, मैं इसी के जगह अगर पीजीबीपी 3 करोड़ के जगह 6 करोड़ लिखता तो इस प्रॉब्लम में क्या बदल जाता? वेयर यू हैव टेकन सरचार्ज ऑफ 25%, यू वुड हैव टेकन 37%, रेस्ट एवरीथिंग वुड हैव रिमेन सेम। समझ में आया? तो क्वेश्चनेयर में इस पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो सॉल्व कर लेना 37% के ऊपर, ठीक है। अब मैं लास्ट कंटेंट के ऊपर आता हूँ, आज मैं लास्ट कंटेंट के ऊपर आता हूँ। मैंने आपसे कहा था कुछ एक लास्ट पॉइंट मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वापस से सरचार्ज टेबल पे आ गए, लिखे मेरे साथ, इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ बट इज नॉट कवर्ड इन अबव 15%, 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 लाख क्यों लिए, 40 लाख इंटू 15% टैक्स रेट ऑफ 111A, बराबर। इफ मतलब जो लोग है ना ऐसे यूट्यूब में बेटा बीच से ज्वाइन कर रहे हो ना, रिक्वेस्ट है आप प्लीज 2:30 बजे आइए, मैं रोज 2:30 बजे चला रहा हूँ अपना ये पिक्चर, 2:30 बजे आइए, ऐसे बीच में से आओगे समझेगा ही नहीं कौन किसका क्या था, है ना। एनिमल में सीधा यू नो सर्जरी के बाद पे सीन आओगे तो तुमको भाभी वन और भाभी टू का डिफरेंस नहीं समझेगा, समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे बीच में से नहीं आते किधर से भी, नहीं तो तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ओरिजिनल कौन सा है। हाँ जी, अब समझिए, टोटल इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड करेगा अगर 2 करोड़ से, बट अगर ये ऊपर वाले किसी भी पॉइंट में कवर्ड नहीं है तो मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा बेटा? 15% रहेगा। इसे मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये सेंसिबल रहेगा। एग्जांपल नंबर 6, आज तुम लोग लेट आए थे, ठीक है, नेक्स्ट टीचर अगर पूछे तो समझना। एग्जांपल नंबर 6 थोड़ा मतलब ऐसे एकदम टाइम पे छोड़ दो तो मेरे नेचर के अगेंस्ट में चल जाती है चीजें थोड़ी सी, ठीक है, सुनना सर। अंडरस्टैंड कीजिए, पीजीबीपी हैज 1.80 करोड़ एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एज लेट से 60 लैक्स। अब आपका टोटल कितना जा रहा है? ये 2.40 करोड़ पे चला गया, यस yes. सुनो अब ध्यान से सुनना, प्लीज सरचार्ज टेबल देखो एक मिनट के लिए ताकि सब कुछ रिवाइज हो। यहां जब हम थे हमने क्या वर्ड लिखा था जरा समझना, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो जो अदर इनकम है उस पर 25 और कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे 15, बराबर है। यहां हम वो सिचुएशन कवर कर रहे हैं जहां पे आपकी अदर इनकम ही कैपिटल गेन एंड डिविडेंड को छोड़ के अदर इनकम ही कितने से ऊपर जा रही है? 2 करोड़। पर अगर आप करंट प्रॉब्लम देखेंगे, क्या मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है? नहीं। अब टैक्स पेयर का एक जेन्युइन इशू था, ये समझिए तो आपको समझ जाएगा लॉ ही ऐसा क्यों बना। टैक्स पेयर का एक जेन्युइन इशू, सपोज मैं टैक्स पेयर हूं, एओ आकर के बोलती है चलो विजय सिंस योर टोटल इनकम इज एक्सीडिंग यू नो 2 करोड़ रुपीज यू नीड टू पे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%। मैंने कहा हाउ, अंडरस्टैंड
मेरे को टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, सरचार्ज देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस रेट पे आप सरचार्ज मांग रही है ये गलत है। व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इफ द इनकम एक्सीड 2 करोड़ द सरचार्ज विल बी 25% ऑन पीजीबीपी एंड 15% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब एओ आएगी लॉ के हिसाब से, ये बोलेगी 25, ये बोलेगी 15। मैं क्या बोलूंगा जरा समझना, मैं तो टैक्स पेयर हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, बात समझ रहा हूं, मैं तो टैक्स पेयर हूं। वो बोलेगी 25% एंड 15%। व्हाई 25%? बिकॉज द इनकम एक्सीड 2,50,000, 2 करोड़ बेबी, आई मीन एओ। आप ऐसा नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये मेरे को डेली आने वाली इनकम नहीं है। अगर ये इनकम ना होती, अगर ये इनकम ना होती तो मैं टैक्स सरचार्ज कितने परसेंट पे कर रहा होता? 15%। ये ऐसी इनकम है जो रोज रोज अराइज नहीं होती, एंड जस्ट बिकॉज ये अराइज हो चुकी है, जबरदस्ती मैं 15 का 25 करूं, बात समझना। मैं इसके चक्कर में 15 का 25 थोड़ी ना करूंगा। ये ऐसी इनकम है जो मेरे को हर बार राइज नहीं होती। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, नॉट अराइज एवरी ईयर। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। मुझे टैक्स पे करने में प्रॉब्लम नहीं, आई एम अ टैक्स मैन, मुझे टैक्स पे करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग इज, ये मेरे पे अनड्यू हार्डशिप है, समझ में आ रही बात? ये मेरे पे अनड्यू हार्डशिप है। नहीं, बट इनकम एक्सीड 2 करोड़ यू नीड टू पे, दैट्स द लॉ। ऐसा क्या कर रहे हो? मैं तो आपके रेगुलर कस्टमर ना आया। अरे दीदी, आप बात नहीं समझ रही है, मेरी बात समझिए दीदी। दीदी ओ दीदी, ये रोज आने वाली इनकम, ये रोज आती तो मैं भी देने को तैयार था, पर ये अरे अरे पर ये सरचार्ज मैं भी रोज देने को तैयार था, पर ये रोज आती नहीं है। तो एक हाथ बार के लिए मैं गाय को इतना दिमाग लगाऊ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते होंगे 15-15 में एडजस्ट करते, 30-15-15, समझ में आया? लॉ में असेसी क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? असेसी कह रहा है ये मेरे पे जेन्युइन हार्डशिप है, आप मेरे पे 25 लगा दो। हाँ, अगर ये 1.80 की जगह 2.80 करोड़ होता, क्वेश्चन ही नहीं है। मैं बाकायदा 25 एंड 15 दूंगा। ये क्वेश्चन ही तभी है जब ये दोनों मिला के 2 करोड़, या एज द केस में भी 5 करोड़ से ऊपर। ये दोनों मिला के 2 करोड़ या एज द केस में भी कितने से ऊपर हो? 5 करोड़ से ऊपर हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में कितने परसेंट होगा? 15-15, समझ में आया? ये सिचुएशन है। अब बस एक काम करना है, आज का होमवर्क ये है कि आपको ये सॉल्व करना है। सरचार्ज रेट का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस। आज आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अगर आपकी नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है, तो आपको सिर्फ सिंपल सा काम करना है, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी 15%। यस फ्रेंड, आज का आपको टारगेट है, यहां तक का पूरा पार्ट आपको कल रिवाइज करना है, प्लस थोड़ा बहुत 115 BAC देख के आना है। हम लोग मंडे को मिलेंगे, आज आपका कॉस्टिंग भी, और मंडे से आपका कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक भी शुरू हो रहा है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। इज दैट डन? बाय, बोलो बाय बाय, टेक केयर। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लेना, नहीं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो askvjsir@gmail.com पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, इफ एनी। यस, अभी इसमें और कुछ कंसेप्ट बाकी है, मंडे के दिन देखेंगे। बाय बाय। सर टारगेट कब से मिलेगा? आज से। जितने बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, फटाक से ज्वाइन कर लो। सर बुक्स कब तक के डिस्पैच होंगी? देखिए मैं अब आपको जेन्युइन बात बताऊं, कल संडे है, वर्क नहीं होगा, और 22 जनवरी को भी वर्क नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना। हमने हमारे तरफ से डिस्पैच कर दिया, कुरियर डिलीवरी बॉय 22 तारीख को वर्क नहीं करेगा ना, जय श्री राम, समझ आ रही है ना बात? वो वर्क नहीं करेगा, तो हैव पेशेंस।